नागपूर शहरातील नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने केंद्र शासनाची आरोग्य वर्धिनी योजना नागपूर शहरात लागू करण्यात आली आहे. या योजनेला महापौर दयाशंकर तिवारी यांच्या पुढाकाराने मंजुरी प्राप्त झाली आहे. आरोग्य वर्धिनी योजनेअंतर्गत नागपूर शहरातील 30 वर्षांवरील मधुमेह व उच्च रक्तदाब असलेल्या रुग्णांना निःशुल्क औषधे दिली जाणार आहेत. केंद्र शासनाच्या या आरोग्य वर्धिनी योजनेचा शुभारंभ दिवाळीच्या पंचमीपासून महाल झोनमधील प्रभाग 19 इथून होणार आहे. सभी नगरवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामना. आज दीपावली का पहला दिन जिसे हम लोग धनतेरस के रूप में मनाते हैं और धन त्रयोदशी को ही भगवान धन्वंतरी का दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं. भगवान धन्वंतरी अर्थात जिन्होंने आयुर्वेद को जन्म दिया, जिन्होंने मेडिकल साइंस को आयुर्विज्ञान को जन्म दिया. ऐसी किंवदंती है कि समुद्र मंथन के बाद जो अमृत निकला था वो अमृत धन्वंतरी जी के पास दिया गया और उन्होंने औषधियों के माध्यम से नागरिकों के जीवन तक उस अमृत को पहुँचाने का कार्य किया. आज धन्वंतरी जयंती के पावन प्रसंग पर नागपुर महानगर पालिका ने भी आरोग्य की दृष्टि से कुछ नया कदम उठाना चाहिए ऐसा मानस है. इस दृष्टि से नागपुर महानगर पालिका आज दो बड़े काम करने जा रही है. पहला कार्य तो यह है कि मैं जिस दिन महापौर बना था उस दिन मैंने घोषणा की थी कि नागपुर शहर में 75 वंदे मातरम जन स्वास्थ्य केंद्र हम बनाएंगे और पहला जन स्वास्थ्य केंद्र जो है उसकी शुरुआत आज केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन जी गडकरी इनके शुभ हस्ते भूषण खोरी नाम की पश्चिम नागपुर में एक बड़ी स्लम है उस स्लम में हम उसका उद्घाटन नितिन जी के हाथ से कराने जा रहे हैं और यह वंदे मातरम का आज पहला उद्घाटन होगा और दीपावली के 10 दिन के अंदर हम करीब करीब 25 वंदे मातरम हॉस्पिटल प्रारंभ हो जाए इस दिशा में कार्य करेंगे. दीपावली के समय एक अवकाश का कार्यकाल होता है इस दृष्टि से दीपावली के एक माह के अंदर 25 हॉस्पिटल हम शुरू करेंगे. आज धन्वंतरी जयंती के पावन प्रसंग पर महानगर पालिका नागरिकों के दृष्टि से और एक बात की घोषणा कर रही है. केंद्र सरकार की एक योजना है जिसका नाम है आरोग्य वर्धनी और यह आरोग्य वर्धनी योजना ग्रामीण भागों में और शहरी भागों में जो केंद्र सरकार का हेल्थ मिशन चलता है ग्रामीण में रूरल हेल्थ मिशन चलता है शहरी में अर्बन हेल्थ मिशन चलता है. इस शहरी नागरिक सुविधा को उपलब्ध कराने की जो स्वास्थ्य की योजना है उस योजना में नागपुर महानगर पालिका के लिए आरोग्य वर्धनी की मंजूरी महापौर बनने के बाद हमने शासन से दिलवा दी. अब इस योजना के अंतर्गत एक योजना इस प्रकार से है कि शहर का कोई भी ऐसा बासिंदा जिसकी उम्र 30 साल से ऊपर है उस व्यक्ति को अगर डायबिटीज की और हाइपरटेंशन की बीमारी होती है तो उसे निःशुल्क औषधि उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की होगी. केंद्र सरकार ने योजना बना दी उस योजना को नागपुर में लागू करना है और नागपुर में लागू करते समय उन्होंने उसका एक पैरामीटर फिक्स किया. पैरामीटर यह है कि जो संस्था इसको लागू करेगी वह एग्जीक्यूशन करने वाली संस्था जो है वह पेशेंट की स्क्रीनिंग करेगी और उसका डायबिटीज और बीपी चेकअप करेगी उसकी मॉनिटरिंग करेगी उस अनुरूप उसको दवाई दी जाएगी करके. अब इसलिए पूरे शहर की स्क्रीनिंग करना आवश्यक है एक साथ तो नहीं हो सकता है इसलिए एक प्रभाग से हम शुरू कर रहे हैं. आज हमने इसकी घोषणा की. पंचमी के दिन से हम नागपुर शहर का जो हमारा महल झोन है उस महल झोन का जो प्रभाग 19 है जिसमें गांधी बाग इतवारी महल चितारोली मैक्सिमम स्लम भाग जिसमें आता है उस भाग से उस प्रभाग से हम इसकी शुरुआत करेंगे. एक माह में मेहनत करके इस प्रभाग के समस्त परिवारों की स्क्रीनिंग करेंगे और उस वार्ड के रहने वाले प्रत्येक नागरिकों को हम लोग निःशुल्क डायबिटीज़ की और हाइपरटेंशन की दवाई देंगे. एक बात का और मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नागपुर शहर में रहने वाला हर वो सीनियर सिटीज़न जिसके पास में सीनियर सिटीज़न का कार्ड है वो नागपुर महानगर पालिका के किसी भी PHC में जा कर के अपने डॉक्टर की स्क्रीनिंग का पत्र लेकर के डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की दवाई ले तो उसे भी निःशुल्क उपलब्ध कराने की बात आज से हम लोग निर्णय के रूप में कर रहे हैं. आप सभी लोग महानगर पालिका के इस जनाभिमुख निर्णय में सहयोग दीजिए. आपके घर स्क्रीनिंग कराने आए तो उसको सहयोग दे करके संपूर्ण परिवार की जो 30 वर्ष ऊपर उसकी स्क्रीनिंग करा ले. मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप बिल्कुल निरोगी रहें
लेकिन अगर आपको बीमारी निकलती है तो आपके लिए इन दोनों बीमारियों की दवाइयां महानगर पालिका निःशुल्क देने की तैयारी कर रही है। आप हमें सहयोग करें और आप सभी इस योजना का लाभ लें। इसलिए आप सभी को पुनश्च दीपावली की हार्दिक शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद।